हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वाम फार्मेसी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का, जो कि जी कप 2024 के एग्जामिनेशन के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा क्रॉप जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्पफुल होता है। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, पॉड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में लेग हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये इसका मेन फंक्शन होता है। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण इनमें से कौन सा बीमारी होता है। तो दोस्तों बैक्टीरिया के कारण जो होता है वो है ट्यूबरकुलोसिस, इसे शॉर्ट में टीबी भी बोलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, विच इज द फ्री लिविंग बैक्टीरिया डेट इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ पैडी इन द सॉइल। और आपको ऑप्शन है राइजोबियम, राइजोबियम बी, एजेटोबैक्टर सी, एसिटोबैक्टर या डी, एनाबिना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, एनाबिना। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन। जो रेफ्रिजरेटर होता है वो फूड को कैसे प्रिजर्व करता है, कैसे बचाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, जो कि है रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। मतलब कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन जिस गति से होता है उस गति को कम कर देता है, और ऐसे रेफ्रिजरेटर हमारे फूड को प्रिवेंट करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड टू मेक कर्ड। मतलब कि इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम दही बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कि दूध को दही बनाने में मदद करता है। हमारा अगला सवाल है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डज मिल्क बिकम शावर। मतलब इनमें से किनके कारण जो है दूध खट्टा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के कारण। अगला सवाल है दोस्तों, द रीजन फॉर कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज, मतलब कि दूध का दही जम जाना इसके पीछे का कारण क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके पीछे एक लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया का कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और हमारे ऑप्शन है ए, राइजोबियम बी, एजोटोबैक्टर सी, एक्सेंडोमोनस या डी, स्यूडोमोनस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। अगला सवाल क्या है दोस्तों, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस। वायरस का डिस्कवर सबसे पहले किसने किया था। तो वायरस का सबसे पहले डिस्कवर किया था इबेनोस्की ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरसेस आर कंसिडर्ड। आपका ऑप्शन ए, लिविंग मैटर बी, इनएनिमेट मैटर सी, अ ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग या डी, लिविंग बींग्स विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, अ ट्रांसमिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। इनमें से कौन सा एक एंजाइम नहीं है, आपको ये बताना। नहीं पूछा है तो याद रखिएगा, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें नहीं पूछा है तो नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस। वायरस कैलोरी नहीं है। हमारा अगला सवाल है, टी एम बी द वर्ल्ड इज रिलेटेड टू। टी एम बी वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है। तो टी एम बी वर्ड रिलेटेड है वायरस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोफोबिया डिजीज अकर्स। हाइड्रोफोबिया डिजीज कैसे होता है, किसके कारण होता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, द वायरस विच इज प्रोड्यूस्ड बाई डॉग बाइट इज कॉल्ड। मतलब जब भी हमें कोई कुत्ता काट लेता है तो उससे कौन सा वायरस प्रोड्यूस होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफोबिया। अगला सवाल है, वाज वैक्सीन डेवलप्ड फॉर स्मॉल पॉक्स, मतलब कि स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन के लिए किसने इसको डेवलप्ड किया था, किन्हों ने किया था, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, एडवार्ड। एडवार्ड हैज डेवलप्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, एडवार्ड जेनर डिस्कवर्ड, एडवार्ड जेनर के द्वारा क्या डिस्कवर्ड किया गया, क्या खोजा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। अगला सवाल है, डज द वायरस मल्टीप्लाई, क्या वायरस मल्टीप्लाई होते हैं, और आपको ऑप्शन दिया गया है, इन डेड बॉडी, इन लिविंग बॉडी, या इन वाटर, या इन शुगर सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन लिविंग बॉडी। अगला सवाल है, वायरसेस आर कंसिडर्ड नॉन लिविंग बिकॉज, वायरस को नॉन लिविंग कंसिडर किया गया किसके कारण से। ऑप्शन आपका है, म्यूटेशन में अकर इन दिस, दे कैन क्रिस्टलाइज, या दे कैन इंक्रीज, या दे कैन मल्टीप्लाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दे कैन क्रिस्टलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स आर अब्सेंट इन इन फंगी, इन वायरसेस, या इन स्लाइम मोल्ड्स, या इन बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरसेस। इन एंजाइम्स जो होते हैं वो वायरस में अब्सेंट होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द काउजेज ऑफ एड्स आर, आपको AIDS एड्स का जो कारण है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, T4 लिम्फोसाइट डिफिशियंसी। नेक्स्ट है, द डिजीज काउज्ड बाय HIV इज, मतलब HIV के कारण जो डिजीज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। दोस्तों उन्हें हम एड्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला सवाल है, व्हाट इज एड्स वायरस, जो एड्स है उसका जो वायरस है उसका आपको नाम बताना है, वो कैसे होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, सिंगल लिस्ट RNA। अगला सवाल है, द काउज ऑफ एड्स इज, आपको एड्स का काउज बताना है, और आपको ऑप्शन है बैक्टीरिया, मोल्ड, वायरस, या अमीबा। तो दोस्तों एड्स एक वायरल डिजीज है जो कि वायरस के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज इबोला, इबोला किसे कहते हैं, क्या होता है, और आपको ऑप्शन है ए फंगस, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ, या डी वायरस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायरस। नेक्स्ट है, एड्स स्प्रेड्स, एड्स जो है वो कैसे फैलता है, और आपको ऑप्शन दिया गया ए बाय शेकिंग हैंड्स, बी बाय रेस्पिरेटरी कॉन्टेक्ट, सी इंसेक्ट्स, या डी अनसेफ फिजिकल कॉन्टेक्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनसेफ फिजिकल कॉन्टेक्ट। हमारा अगला सवाल है, व्हाट हैपेंस इन वायरस, और आपको ऑप्शन है ए प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, बी न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, सी लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, या डी कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज सार्स, सार्स क्या है, SARS क्या है। तो जो सार्स होता है वो एक वायरस काउज डिजीज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्स इज अ वायरस काउज डिजीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, मिसल्स इज काउज्ड बाय द फॉलोइंग इन्फेक्शन, मिसल एक बीमारी होता है, एक तरह का डिजीज होता है, तो इनमें से किन के कारण होता है, क्या वायरस के कारण होता है, या बैक्टीरिया के कारण होता है, या फंगस के कारण होता है, फिर एलगी के कारण होता है। तो जो मिसल्स है वो होता है वायरस के कारण से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा आज का आखिरी सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय वायरस, और आपको ऑप्शन है ए स्मॉल पॉक्स, बी ट्यूबरक्लोसिस, सी मलेरिया, या डी कोलेरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है वो वायरस के कारण होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।